अब मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेसिकली हम नुमरिकली भी तो चेक करें कि वो हमें पता क्या रही है हमने उसके रिजल्ट कैसे देखने हैं तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेयर वी सपोज वी हैव द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ थ्री वेरिएबल्स लाइक x1 x2 एंड वेरिएबल नेम इज दी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेकिन इसके बिहाइंड आपके पास क्या होगा एक्स वन किसी ना किसी वेरिएबल का नेम होगा जिसको हमने कोट कर दिया है कि वो एक्स वन है एक्स टू भी हमारे पास वेरिएबल है जिसको हमने कोट किया है तो ये जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कह रहे हैं बेसिकली एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आपके पास कोई ना कोई थ्री वेरिएबल्स होंगे एंड द फॉलोइंग मीन वैक्टर एंड द कोवेरियंस मैट्रिक्स आर दी गिवन अब मीन हमें म्यू गिवन है वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा हमें गिवन है टू कैलकुलेट द पीडीएफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन एट द गिवन पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट हमें दिया हुआ है पॉइंट की वैल्यूज हैं 1.5 3.2 एंड 4.6 थ्री वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 ओके okay? हमें ये पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है पीडीएफ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ओके दिस इज दी मीन फैक्टर वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स अब रिकॉल करो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या था पीडीएफ हमने ड्राइव किया है नाउ हेयर इज दल्यूशन वी कैन यूज दी फार्मूला फॉर द मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज दी डी एफ ऑफ द मल्टीवेरियड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू पाई माइनस पी बाय टू पी क्या पी इज दशन हाउ मेनी डायमेंशन इन पर्टिकुलर क्वेश्चन तो पी विच इज इक्वल्स टू थ्री डायमेंशन हमारे पास कितनी है सेगमा वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स गिवन है मॉड्यस माइनस वन बाई टू एक्सपोनशियल माइनस वन बाई टू एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सेगमा इनवर्स एक्स माइनस म्यू दिस इज दी डी एफ ऑफ द मल्टी वेरिय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और यू कैन सी दैट दशन एक्स इज दर ऑफ द वेरिएबल इन केस ऑफ द एक्स ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव आर दर्टिकुलर पॉइंट्स हमें गिवन है म्यू इज दी मेन फैक्टर वो भी गिवन है एंड सेगमा कोवेरियंस मैट्रिक्स गिवन है हमें हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए नुमेरिकल डेटा के साथ हमें सिग्मा इन्वर्स चाहिए सिग्मा इन्वर्स इज द इन्वर्स ऑफ द कोवेरियंस मैट्रिक्स ओके पीडीएफ आ गया हमें ये भी पता चल गया हर वेरिएबल क्या क्या है एक्सपोनेंशियल ई एक्स भी हमारे पास बेसिकली एक्सपोनेंशियल है इन सारे को हमने नुमेरिकली यूज करके एफ ऑफ एक्स वैल्यू फाइंड करनी है एक्स माइनस म्यू फर्स्ट हमारे पास क्या हमने ये वाला पोर्शन लिया एक्स माइनस म्यू ये पोर्शन ठीक है तो एक्स हमारे पास क्या था 1.5, 3.2, 4.6 और म्यू क्या है 2, 3, 4. तो एक्स वन पॉइंट फाइव थ्री और म्यू 2 आ गया तो देन हमारे पास फर्स्ट हो गया x माइनस म्यू कैलकुलेट करके डायरेक्ट लिख लिया ना तो आप लोग क्या करोगे 1.5 पॉइंट फाइव माइनस टू थ्री पॉइंट टू माइनस थ्री एंड फोर पॉइंट सिक्स माइनस फोर स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं डायमेंशन एक्स की डायमेंशन कितनी है आपके पास यहाँ पे थ्री रोज वन कॉलम और म्यू की आपके पास डायमेंशन कितनी है थ्री रोज वन कॉलम तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा थ्री क्रॉस वन मीन्स थ्री रोज वन कॉलम थ्री क्रॉस वन तो माइनस यू की वैल्यू आ गई माइनस पॉइंट फाइव पॉइंट टू एंड जीरो पॉइंट सिक्स अब हमारे पास इस पी डी एफ का ये वाला पोर्शन तो आ गया ओके okay? ये पोर्शन भी आ गया क्योंकि ये तो ट्रांसपोज है ये पोर्शन भी आ गया नेक्स्ट अब हमने क्या करना है सिग्मा चाहिए फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट दी वेरियंस को वेरियंस का डिटर्मिनेंट दिस इज द डिटर्मिनेंट वैल्यू रेज टू दावर माइनस वन बाई टू एंड देन वेरियंस कोवेरियंस मेट्रिक्स का इनवर्स दिस इज द इनवर्स हमें ये अब वैल्यूज चाहिए यानी हमें वेरियंस कोवेरियंस मेट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी चाहिए एंड वेरियंस कोवेरियंस मेट्रिक्स का इनवर्स भी चाहिए यूजिंग अ मेट्रिक कैलकुलेटर वी फाइंड दिस अब मेट्रिक्स कैलकुलेटर से हम बहुत ईजिली इसको फाइंड कर सकते हैं और नेक्स्ट मैं भी आपको बता रही हूँ कि हम इसको एक्सेल से फाइंड कर लेते हैं तो एक्सेल से भी हम इसको इजीली फाइंड कर लेंगे क्या फाइंड करेंगे हम इसका इन्वर्ट्स भी फाइंड करेंगे और इस वेरिएंस को मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे हेयर इज द वैल्यू ऑफ दी सिग्मा दैट इज दी टू मैं एंटर कर रही हूँ सेगमा वेरियंस को मैट्रिक्स टू वन एंड जीरो पॉइंट लिख दिया जीरो एंड नेक्स्ट इज दन पॉइंट फाइव एंड 1.2, 1.2 0.8, 2.5. अब हमें क्या चाहिए बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और इसका इनवर्स डिटर्मिनेंट के लिए हम कह रहे हैं इक्वल टू एम डिटर्मिनेंट ओके एम स्टैंड फॉर मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है हाईलाइट ब्रैकेट क्लोज और एम डिटर्मिनेंट क्या एंटर करना है हमने शिफ्ट कंट्रोल एंटर नाउ हेर इज वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट सेवन पॉइंट फोर डबल फाइव ठीक है नेक्स्ट अब हमने क्या करना है सिग्मा इन्वर्स चाहिए सिग्मा इन्वर्स के लिए मुझे सिग्मा का इन्वर्स वैल्यू लेनी है इक्वल्स टू इक्वल्स टू से पहले हम क्या कर रहे हैं थ्री क्रॉस थ्री इन्वर्स आएगा ना मैं थ्री क्रॉस थ्री हाईलाइट कर दिया क्योंकि थ्री क्रॉस थ्री इनवर्स चाहिए सो इक्वल्स टू एम इनवर्स दिस इज द इनवर्स दिन को वेरियंस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स चाहिए हाईलाइट दिस देन ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट कंट्रोल एंटर सो हेयर इज द वैल्यू सिग्मा इनवर्स अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया सिग्मा का एंड नेक्स्ट हमारे पास सिग्मा इनवर्स की वैल्यू भी आ गई ओके okay, अब हम इसको पी पीडीएफ में एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट हमने क्या करना है ठीक है हमारे पास क्या हो गई की वैल्यू भी आ गई सिग्मा इन्वर्ट्स की वैल्यू भी आ गई दिस इज द एक्स माइनस म्यू एंड ट्रांसपोज एंड दिस इज माइनस म्यू दिस इज दिन ऑर्डर भी हमने देख लिया यहाँ पे ऑर्डर आपके पास है थ्री क्रॉस थ्री का ऑर्डर है और ये थ्री क्रॉस वन तो फाइनल ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास थ्री इंटू वन का इनवर्स हमारे पास है x माइनस म्यू की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं x माइनस म्यू की वैल्यू एक्सेल में लिख लूंगी एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू क्या था मेरे पास माइनस जीरो पॉइंट फाइव देन पॉइंट टू देन पॉइंट सिक्स ओके अब इनकी मल्टीप्लीकेशन चाहिए सो एकवल्स टू अब रिजल्ट हमारे पास क्या आना है पहले तो हम रिजल्ट देखने थ्री क्रॉस वन तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थ्री क्रॉस वन थ्री रोस वन कॉलम एकवल्स टू मल्टीप्लीकेशन है एम एम मल्टीप्लायर मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन मेट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन हाईलाइट दिस देन कॉमा मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम ओके ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट कंट्रोल एंटर सो आर दी वैल्यूज हमारे पास x माइनस म्यू mu को मल्टीप्लाई किया हमने सिग्मा इनवर्स ये वैल्यूज आ गई अब फाइनल हम चेक कर लेते हैं अब आपके पास वैल्यू आ गई है थ्री क्रॉस वन अब यहाँ पे आप देखो इसका ऑर्डर कितना है इसका ये हमारे पास है ऑर्डर वन रो थ्री कॉलम और नेक्स्ट हमारे पास है थ्री इंटू वन फाइनल रिजल्ट क्या आना है वन क्रॉस वन यानी आपके पास सिंगल वैल्यू आनी है वन क्रॉस वन यानी सिंगल वैल्यू आ रही है अब हमने ले लेना है इसको मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट हम एक्सेल पे या आपके पास ट्रांसपोज है ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर लें वाल्यूज मेरे पास है यहाँ पे माइनस पॉइंट फाइव देन पॉइंट टू देन पॉइंट सिक्स मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है अगेन इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई देन कॉमा अरे नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन और एंटर कर दिए शिफ्ट कंट्रोल एंटर तो वी हैव दी वैल्यू ऑफ जीरो पॉइंट फोर नाइन डबल टू जीरो फाइव किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास पीडीएफ में पर्टिकुलर पॉइंट अब यही आपकी वैल्यू मैंने यहाँ पर एंटर की है जीरो पॉइंट फोर नाइन डबल टू सेवन इस पी डी एफ की वैल्यू हमारे ये जो हमारे है ये फैक्टर इस फैक्टर की वैल्यू डिटर्मिन हो गई है देन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन बाई टू फर्दर हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस वन बाई टू से उसके हमने एक्सपोनशियल ले लिया है टू बाय पाए यू नो दैट पाए विच इसवल्स टू ट्वेंटी टू बाई सेवन इसकी वैल्यू एंटर कर दी टू मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू बाई सेवन रेज टू दी पावर थ्री बाई टू ये भी हम एक्सेल पे इजीली फाइंड कर लेंगे अब टू इन टू ट्वेंटी टू बाई सेवन लिखो एक्सेल पे और उसकी पावर पावर बटन किस में है शिफ्ट सिक्स अगर मैं प्रेस करूंगी तो पावर बटन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय थ्री बाई टू देन ये डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट की पावर हाफ और आफ्टर दैट सब कैलकुलेशन के बाद मेरे पास रिजल्ट आ गया जीरो इस वैल्यू पर्टिकुलर ये वैल्यू अब क्या शो कर रही है दिस इज दी डी एफ इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हम इसको क्या शो कर रहे हैं द प्रोबिलिटी एट द पॉइंट दॉइंट फाइव एक्स की वैल्यूज दी हुई थी ना गिवन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने पीडीएफ फाइंड करना था इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है द प्रोबिलिटी एट द दिन एक्स टू थ्री पॉइंट टू एंड एक्स थ्री फोर पॉइंट इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो ट नाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है वो डिटर्मिनेंट हो रही है जीरो पॉइंट डबल जीरो वन सिक्स एट दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ दिस एग्जांपल दिस इज द मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ को हमने मैथमेटिकली चेक किया देन हम उसको नुमेरिकली चेक कर रहे हैं नूमेरिकली हमने थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स के साथ इसको सॉल्व किया उसकी प्रोबेबिलिटी पॉइंट हमने डिटर्मिनेंट कर लिया डियर स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमने क्या डिटर्मिन किया थ्री क्रॉस थ्री की हमारे पास मल्टीवेरिएट डेटा है और उस पर हमने मल्टीवेरिएट पीडीएफ से पर्टिकुलर पॉइंट प्रोबेबिलिटी पॉइंट डिटर्मिन कर दिया जब हमें एक्स की डिफरेंट गिवन वैल्यूज गिवन है यानी थ्री क्रॉस थ्री हमारे पास था थ्री डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया एग्जाम्पल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व कर लिया उसकी मीन भी निकाली है वेरियंस भी निकाली अब पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी डिटर्मेंट करनी है न्यूमेरिकली वो हमने मल्टीवेरियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पी के साथ इसको सॉल्व करके देखा है कि इस पर्टिकुलर एक्स की वैल्यूज के ऊपर हमारी जो प्रोबेबिलिटी डिटर्मेंट हो रही है एक्स की वो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन सिक्स एट समथिंग आ रही है